बिकॉज ये शो हमारे लिए हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया. 17 साल हो चुके हैं और उसके बाद फिर भी क्या बाकी, लेकिन बूगी अभी बाकी है जो हमने एक प्रोमो में भी किया था. तो बहुत बहुत जरूरी है और ऑब्वियसली टेलीविजन है, मीडिया है और आप यहाँ पे आज हमारे साथ आए शेयर करने के लिए इज वेरी स्पेशल. थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द टाइम ऑफ और यहाँ तक आप आए इस वक्त. एंड वी होप दैट यू आर एंटरटेन्ड और इस शो से आप भी थोड़े बहुत एक्साइटेड उतने हैं जितने हमें, उतने शायद ना हो लेकिन एक्साइटेड हैं क्योंकि हर एक की जिंदगी का कहीं ना कहीं हिस्सा बन चुका है. हमें मेरे पास कई बार आंटीज का मंदिर से ओ भाई हम तो बचपन से आपका शो देखते थे. मैंने कहा थैंक यू. आपकी बुजुर्गियत का एहसास होता है बट ऑब्वियसली वो बच्ची जो 14-15 साल की थी अब वो 17 साल बाद माँ बन चुकी है, उसके बच्चे 6-7 साल के एंड दैट्स इट, यू नो इट्स अ होल जनरेशन. तो थैंक यू वेरी मच फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर बीइंग हियर ऑन दिस इवनिंग एंड एनकरेजिंग अस फॉर दिस न्यू बिगिनिंग टू बुक. नावेद और मैं लुखे थे, कोई काम धंधा नहीं था तो डांस बहुत करते थे. जे जे नावेद माई सेल्फ. तो एक दिन नावेद मेरे घर आया. वी सेड यार कुछ करना चाहिए, काम करना चाहिए, लेट्स डू समथिंग. बट आई टोल्ड हिम आई सेड यार लेट्स डू समथिंग दैट मैंने एक सेइंग सुनी थी, ऑलवेज डू समथिंग विच इज योर हॉबी एंड यू नेवर गोना हैव अ वर्किंग डे इन योर लाइफ. सो वी लव म्यूजिक, वी लव डांसिंग. तो नैव्स को मैंने बोला यार ब्रो लेट्स डू समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद दैट. ही सेड एब्सोल्युटली लेट्स डू अ डांस शो. दैट वाज हिज आइडिया एंड देन आई थिंक द रेस्ट इज हिस्ट्री. नवेदा छोटे कमरे से आई थिंक कमरे से एक काफी बड़े पैमाने पे पहुंच गए हम. हिस्ट्री हो गई फिर ज्योग्राफी बदल दिया, ज्योग्राफिया चेंज हो गया. बट एक छोटे से पेपर पे हम दोनों ने बैठ कर ये क्या करेंगे, एक छोटा सा पेपर लिया भाई. शुरुआत ऐसी होगी, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा. बोले पेपर तो आ गया, अब दें किसको. तो काफ़ी चैलेंज में हम भागे, यहाँ आ गए. बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिकॉज हमारे वी डिडंट नो हाउ टू प्रेजेंट एट दैट टाइम. कई लोग हाई ऑफ देम हॉट है, शोशा बड़ा है, प्रेजेंटेशन अच्छा करते हैं, मटेरियल कुछ अच्छा नहीं होता है. नहीं, मटेरियल बहुत अच्छा है. तुम्हारा मटेरियल बहुत अच्छा था, तुम्हारा प्रेजेंटेशन करने का अंदाज उस वक्त नहीं था. ठीक है ठीक है. काफी चैलेंज पे गए, फिर हमें मालूम पड़ा कि क्या चैनल खुल रहा है सोनी. तो चलो वहां चलते हैं. हम वहां गए, वहां प्रेजेंट किया. फर्स्ट प्रेजेंटेशन में उनको पसंद आया अपने सुदेश अय्यर साहब थे. उन्होंने कहा वी आर डूइंग दिस शो. एक साल तक उनकी खबर नहीं थी बट एक साल के बाद फोन आया और शो बोले आप शुरू करिए. हमें फर्स्ट टाइम पहला चेक मिला, हमने ऐसी रकम कभी देखी नहीं थी. हम लोग की आंखें फटी फटी रह गई कि हमारे हाथ हिल रहे थे, इतना बड़ा चेक था. उस अभी देखें तो अच्छा था लेकिन हाँ. तो बस उसके बाद शुरुआत हुई एंड देन नो लुकिंग बैक. जो हमारे जमाने में नहीं था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कम वेयर वी आर. तो यू नो ये देख के कि यार देर आर नॉर्मल पीपल जिनको ये ख्वाहिश है कि यार मैं भी डांस कर सकता हूँ, आइए. बूगी वूगी इज ऑलवेज ओपन. यू नो दैट डांसर इज द स्टार फॉर अस. वो हमारा स्टार है, वो स्पॉटलाइट है. इट डजंट डिपेंड ऑन कितने सेलिब्रिटीज, इट इज दैट एंड हाउ वी कैन उससे हम क्या निकाल सकते हैं उसकी जिंदगी के बारे में, वो क्या है, कहाँ से आया है और किस तरह से हम उसको कुछ दे सकते हैं और वो बहुत कुछ हमको दे सकता है. दैट्स ऑल इट्स अबाउट. वो आया था एक्चुअली, मैं एक शो देख रहा था कॉलेज में. कुछ हमेशा देखता था एक्चुअली, जज कहीं ना कहीं जाते थे हम लोग, तो कॉलेज में पार्टिसिपेंट्स आते थे, वो आके डांस किया करते थे. बेचारे कहीं से गरीब होंगे, कहीं से आते होंगे, कोई छोटे कॉलेज से आते, उनको लोग हमेशा बू 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 बू, और दुख होता था हमको कि यार इतना तो मत करो, इतना मत करो. हम लोग एक दिन राजू सिंह के जब गाना बना रहे थे, हमने सोचा कि यार बू को पॉजिटिव कर दो, नेगेटिव होता है बू. बी पॉजिटिव नाम सुना था ये, बू पॉजिटिव. बू को हम पॉजिटिव कर देते हैं. तो मतलब ये आपको अगर बू करना है तो वहां मत करो, हमारे शो पे आके बू करो एंड इट्स पॉजिटिव. या मेक द नेगेटिव पॉजिटिव.